हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ग्रुप मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्रुप एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, ग्रुप जो है ये बहुत सारे यूजर्स का एक कलेक्शन होता है, जिसके थ्रू हम लोग सेम टाइम पर सेम ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल यूजर को परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहां पर आपको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग कितने टाइप्स के ग्रुप यूज करते हैं। दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग तीन टाइप के ग्रुप यूज करते हैं। फर्स्ट होता है सुपर ग्रुप, सेकंड होता है सिस्टम ग्रुप, थर्ड होता है नॉर्मल ग्रुप। दोस्तों, सुपर ग्रुप जो होता है ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, जिसका नाम होता है रूट ग्रुप। रूट ग्रुप की जो यू ग्रुप आईडी होती है वो होती है 0। सेकंड आता है सिस्टम ग्रुप, सिस्टम ग्रुप जिसे हम लोग सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सिस्टम ग्रुप की जो यू ग्रुप आईडी स्टार्ट होती है वो होती है 1 से लेकर 999 तक। नेक्स्ट आता है नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप जिसे हम लोग स्टैंडर्ड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, और इसकी यू ग्रुप आईडी स्टार्ट होती है 1000 से लेकर 60,000 तक। तो ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तीन टाइप के ग्रुप यूज किए जाते हैं। इसके बाद अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी ग्रुप को मैनेज और कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग तीन टाइप की कमांड यूज करते हैं। फर्स्ट होता है ग्रुप ऐड। दोस्तों, अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं ग्रुप ऐड कमांड। इसके द्वारा अगर आप किसी भी ग्रुप को मॉडिफाई करना चाहते हैं, ग्रुप को मैनेज करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग कमांड यूज करते हैं ग्रुप मोड कमांड, ग्रुप को मॉडिफाई करने के लिए। इसके बाद अगर आप किसी भी ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं ग्रुप डेल। तो ये तीन कमांड होती है जिसके द्वारा हम लोग अपने ग्रुप को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। इसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ फाइल्स भी अवेलेबल होती है, जिसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन सेव होती है। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहली फाइल होती है हमारी रूट पार्टीशन के अंदर ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप नाम की फाइल। दोस्तों, ग्रुप नाम की फाइल के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, चाहे वो हमारा सुपर ग्रुप है, सिस्टम ग्रुप है या फिर नॉर्मल ग्रुप है। इसके बाद सेकंड फाइल होती है जी शैडो नाम से फाइल, सेम लोकेशन पर ये भी अवेलेबल होती है। दोस्तों, जी शैडो फाइल के अंदर सभी ग्रुप्स के पासवर्ड इंफॉर्मेशन और पॉलिसी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि किस किस ग्रुप पर क्या क्या पासवर्ड और पॉलिसीज अप्लाई की गई है। अब अगर आप इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर लेके चलता हूं। तो चलिए जरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर चलते हैं इन सभी फाइल्स वगैरह की इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए। और ये दोस्तों, हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पे आ गए हैं। अब यहां पर मैं टर्मिनल ओपन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम लोग सबसे पहली कमांड जो यूज करेंगे कैट कमांड यूज करेंगे।
रूट पार्टीशन के अंदर etc डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप फाइल को चेक करने के लिए टाइप करके आप जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रुप नाम से फाइल है वो ओपन हो चुके हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहली एंट्री आप देख सकते हैं वो हमारे रूट ग्रुप यानी कि सुपर ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपको शो कर रही है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस यूजर की उस यूजर का एक प्राइमरी ग्रुप ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लोग कोई भी सुपर ग्रुप क्रिएट करते हैं या फिर सुपर यूजर क्रिएट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना उस सुपर ग्रुप का एक ऑटोमेटिक ही प्राइमरी सुपर ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। या फिर कोई भी सिस्टम यूजर क्रिएट होता है या फिर कोई भी एक नॉर्मल यूजर क्रिएट होता है तो उसका एक प्राइमरी ग्रुप भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा सुपर यूजर होता है रूट, उसका एक प्राइमरी ग्रुप रूट के नाम से ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है। ये रूट ग्रुप के पासवर्ड को पॉइंट आउट कर रहा है और ये सुपर ग्रुप की ग्रुप आईडी आपको शो कर रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर कोई भी मेंबर यूजर अवेलेबल नहीं है। ये है बिन ग्रुप जिसकी ग्रुप आईडी है 1, ये है डेमन जिसकी ग्रुप आईडी है 2। इस तरह दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं सभी ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमने एक प्रीत नाम का यूजर क्रिएट किया था और आप यहां पर उसका प्राइमरी ग्रुप भी देख सकते हैं प्रीत के नाम से ही। ये उसकी ग्रुप आईडी है और प्रीत यूजर इस ग्रुप में अवेलेबल है। ठीक है, चाहे तो आप मैं यहां पर आपको ग्रैप कमांड के द्वारा शो भी करा देता हूं। ग्रैप करना है प्रीत वर्ड किस फाइल में, रूट पार्टीशन के अंदर etc डायरेक्टरी के अंदर passwd नाम की फाइल के अंदर। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, देख रहे हो, ये है यूजर नेम, ये है इस यूजर का प्राइमरी ग्रुप जिसकी यूजर आईडी है 1000, ग्रुप आईडी भी 1000 है। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस ग्रुप की आईडी भी 1000 है। ठीक है, या फिर एक बार और मैं आपको, जैसे कि मैं एक यूजर क्रिएट करता हूं, यूजर एड स्पेस, मैं एक विशु नाम का यूजर क्रिएट करता हूं और उसे पासवर्ड असाइन करता हूं विशु यूजर को। कंफर्म कीजिए, पासवर्ड क्रिएट हो गया है। अब अगर आप यहां पर देखें, मैं ग्रुप फाइल के अंदर विशु यूजर की इंफॉर्मेशन ग्रैब करता हूं जरा, और आप यहां पर देख सकते हैं कि विशु नाम का ग्रुप क्रिएट हो चुका है और उसकी ग्रुप आईडी है 1001। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहीं पर passwd फाइल के अंदर भी विशु को ग्रैब करता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं कि विशु यूजर क्रिएट हो चुका है के साथ साथ विशु यूजर का एक प्राइमरी ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है जिसकी ग्रुप आईडी है 1001। और यहां पर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी आप कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक ही उस यूजर का एक प्राइमरी ग्रुप भी क्रिएट कर देता है जिसकी सेम ग्रुप आईडी होती है जो यूजर की यूजर आईडी होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी शैडो फाइल। जी शैडो टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा और आप यहां पर जी शैडो फाइल के अंदर ग्रुप की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग फाइलें यूज करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कैसे करते हैं और किसी भी ग्रुप को हम लोग डिलीट कैसे करते हैं।